नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि वो ज़मीन की जो बेहतरीन जगह हैं वो मसाजिद हैं, और जो बदतरीन जगह हैं वो मंडियां और बाजार हैं। तो ये चार दीवारी जो अल्लाह के नाम पर बनती है वो बेहतरीन हो जाती है। क्या सिर्फ इसलिए मस्जिद बेहतरीन हो जाती है कि हम उसमें नमाज पढ़ते हैं? मेरे और आपके सामने मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के अलावा, या फिर आठवें दिन जुमा जो भी नमाज ही का एक हिस्सा है, कंग्रीगेशनल प्रेयर है, उसके अलावा कोई और बड़ा मकसद हमारे सामने नहीं होता। मस्जिदें नमाजें पढ़ने के लिए होती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चार दीवारी को जो नमाजें पढ़ने के लिए बनाई जाती है उसको तमाम रूए ज़मीन से बेहतरीन टुकड़े करार देते हैं। और फिर उस शख्स को जिसका दिल इस टुकड़े के साथ जुड़ा रहे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फजीलत बताते हैं, वो खुशखबरी सुनाते हैं कि क़यामत के दिन जिन सात किस्म के लोगों को अर्श का साया नसीब होगा उसमें से वो शख्स भी होगा जिसका दिल मस्जिद के साथ मुअल्लक रहता। हत्ता के इस टुकड़े को वो फजीलत हासिल हो गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स को मस्जिद के लिए दौड़ धूप करता देखो, मस्जिद के लिए आता जाता देखो, पांच वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ता देखो, यताअहदुल मस्जिद याअतादुल मस्जिद, मस्जिद के में आता है, मस्जिद में जाता है, आप उसको देखो, फशहदु लहू बिल ईमान, उसके ईमान की गवाही दे दो। हालांकि मस्जिद के अंदर तो मुनाफिकीन भी आते थे, लेकिन इसके साथ ताल्लुक इस कदर वो मर्तबे वाला ठहरा और इस कदर फजीलत वाला ठहरा अल्लाह के नजदीक। अल्लाह।